मॉर्निंग एवरीबॉडी, जय गुरुदेव, जय माता दी। आपका येट अनदर योगा सेशन में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो लेट्स रोल आउट अ योगा मैट्स एंड एक्सपीरियंस द इमेंस पावर ऑफ योगा एंड प्राणायामा, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज दैट वी हैव इन आवर कंट्री फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। लेट्स ऑल टुगेदर एक्सपीरियंस दैट, वेदर यू आर यंग, वेदर यू आर ओल्ड, वेदर यू आर ओवरवेट, यू आर फिट, Yoga has the power to calm your mind and to strengthen your body. So let's start with simple techniques and poses that awaken the higher self of ourselves. Thank you. Let's start. Jai Gurudev. Yoga Abhyas ke satra mein aap sabhi ka swagat karti hun. I welcome all of you in this session of yoga. Today we will be doing yoga for mainly backache, knee pain and joint pain, arthritis, some tips, some food tips also, some do's and don'ts, इनके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए प्रार्थना के साथ सबसे पहले परमपिता परमात्मा का आह्वान करते हैं प्रणव मंत्र या ओंकार मंत्र के साथ। लंबा गहरा सांस लेते हुए तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। गुरुदेव को हृदय से श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए अपने अपने माथे पर ओम लिखें। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू राइट ओम ऑन योर फोरहेड। गुरुदेव को श्री चरणों में बारंबार नमन। ओम सर्वेश्वराय सर्ववेघ्न विनाशिने ब्रह्म ऋषि गुरवे नमः। ओम सर्वेश्वराय सर्वविघ्न विनाशिने ब्रह्म ऋषि गुरवे नमः। ओम सर्वेश्वराय सर्वविघ्न विनाशिने ब्रह्म ऋषि गुरवे नमः। ओम अरहम। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरुवानंदाय नमः। गुरु परमेश्वर को बारंबार नमन। आइए तो आज हम पहले नीज के लिए कुछ अभ्यास सीख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है नी पेन को एलिमिनेट करना। वैसे तो कपाल भाती सारे आपके मसल्स एंड बोन्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी अचूक दवा है। कपाल भाती का अभ्यास आधा आधा घंटा प्रतिदिन करें। साथ ही साथ आप अनुलोम विलोम भ्रामरी जरूर करें, थोड़ा भस्त्रिका भी करें। डीप ब्रीदिंग जरूरी है टू ऑक्सीजनेट आवर बॉडी। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके घिसे हुए कार्टिलेज भी दोबारा बन जाएंगे और जो साइनोवियल फ्लूइड या ग्रीज हम कहते हैं नीज के बीच में, जो नी जॉइंट में या किसी भी जॉइंट में हमारे जो ग्रीज होती है विच इज साइनोवियल फ्लूइड एक्चुअली, तो वो कम हो जाता है। तो आपस में हमारे रगड़ खाती हैं हड्डियां, तो आवाज सी भी आती है और पेन भी बहुत होता है, कार्टिलेज भी घिस जाते हैं। तो ये सब दोबारा बन जाते हैं अपने आप। ग्रीज भी पूरी बन जाएगी, द साइनोवियल फ्लूइड विल बी इनफ
टू लुब्रिकेट योर नी जॉइंट एंड कार्टिलेज, जो गद्दी होती है दो हड्डियों के बीच के, जॉइंट के बीच में जो कुशन होता है कार्टिलेज का बना हुआ, सॉफ्ट टिश्यू का बना हुआ, बोनी टिश्यू ही होता है पर सॉफ्टर टिश्यू होता है कार्टिलेज, तो उसका जो एक कुशन होता है वो भी अगर घिस गया है तो दोबारा फॉर्मेशन उसकी हो जाती है। आपको नी सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। कुछ एक्सरसाइजेस साथ में कर लें तो बहुत आपको लाभ हो जाएगा। आइए नीज के लिए पहले हम बैठ कर करते हैं कुछ आसन, हम कुछ एक्सरसाइजेस हैं नीज की जो हम कर सकते हैं। बैठ कर करने वाले अभ्यास में एक बहुत अच्छा अभ्यास है जिसको कि हम टॉवल की मदद से करेंगे। एक जैसे ये मीडियम साइज का टॉवल, इतना बड़ा टॉवल लेकर और इसका एक रोल बना लें इस तरीके से। आपने एक रोल बनाना है और दोनों नीज के बीच में ऐसे प्लेस कर देना है इस तरीके से। नीज के नीचे जाएगा ये, नीज के नीचे आपका ये टॉवल रोल, बिकॉज आपने देखा होगा दोनों नीज थोड़े से हमारे ऐसे फॉर्म है, थोड़े से आगे की ओर इनका झुकाव सामने की ओर होता है तो नीचे थोड़ा सा गैप रह जाता है, तो जब आप प्रेस करते हैं तो वो पूरा जमीन से लगता नहीं है वो हिस्सा। इसका जो ये एनाटॉमी ही ऐसी है तो थोड़ा सा नीज हमारे ऊपर की ओर बेंट होते हैं, फॉरवर्ड बेंड होते हैं, पीछे थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ा सा गड्ढा सा होता है, तो उसको फिल करने के लिए हमें ये रोल चाहिए होता है। एक भी कोई भी मीडियम साइज सॉफ्ट टॉवल लेकर उसका रोल बनाएं और इस तरीके से घुटनों के नीचे रख दें। दोनों आर्म्स का सपोर्ट लें साइड में आर्म्स रखते हुए और लंबा गहरा सांस लें। अपने मूल बंध लगाना, लोअर लॉक जो है मलमूत्र कंट्रोल करने वाले मसल्स जो हैं उनको, जैसे ब्लैडर को कंट्रोल करने वाले मसल्स भी, रेक्टम को कंट्रोल करने वाले मसल्स भी, उनको आपने ऊपर की ओर खींचना है और रोक देना है। तो ये अब हम करेंगे सांस लेते हुए। पहले लंबा सांस भरें, अब मूल बंध भी लगाएं और घुटनों को नीचे की ओर दबाएं और साथ ही साथ आप अपने टोज को भी ऐसे मोड़ सकते हो, बंद कर सकते हो मुट्ठी की तरह। तो सामने तीन जगह आपका आएगा प्रेशर, यहाँ यहाँ और मूल बंद, तो ये तीनों होंगे पर मेन आपका जो फोकस होगा वो नीज पर रहेगा। लंबा सांस लें, पैर को ऐसे बंद करें अंगूठे उंगलियों को, घुटनों को नीचे दबाएं और साथ साथ मूल बंद भी लगा लें। थोड़ी देर रोक लें सांस को, अंदर ही रोकेंगे, होल्ड योर ब्रेथ इन साइड। रिलैक्स, ढीला छोड़ दें। तीनों बंद, तीनों जगह जो आपने मतलब प्रेशर डाला था वो तीनों आप खोल दें, मूल बंद खुल जाएगा, घुटनों को रिलैक्स करेंगे टोज को भी रिलैक्स करेंगे। फिर से कर लीजिए इसको, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये नीज के लिए। पास पास ही रखना है नीज को, गैप देने की जरूरत नहीं है। लंबा सांस भरिए, होल्ड योर ब्रेथ, मूल बंद लगाएं, नीज को प्रेस करें, टोज को भी बंद कर लें। पूरा दबाव नीज पे डालते हुए थोड़ी देर रुकेंगे, होल्डिंग द ब्रेथ इनसाइड। 10 सेकेंड रोक लें, 12 सेकेंड रोक लें, 15-20 सेकेंड रोकें तो बहुत ही अच्छा है। रिलैक्स, इसको आपने 8-10 बार करना है, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बैठकर एक और एक्सरसाइज बताती हूँ, सोफे पर बैठकर, जो 80% नी की सर्जरी अवॉइड करने में आपकी मदद करेगी। अकेली एक एक्सरसाइज ये आपकी 80% जो प्रोबेबिलिटी है नी सर्जरी की उसको एलिमिनेट कर देगी। तो आपने बैठना है, चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफे पे भी बैठ सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, आप थोड़ा जूम करके देखें, थोड़ा सा एज पे बैठे, बिल्कुल पीछे होकर नहीं बैठना है। दोनों हाथ साइड में रहेंगे सपोर्ट के लिए,
पैर जो हैं फ्लैट ऑन द ग्राउंड रहेंगे, दोनों पैर आपके हील से टो तक फ्लैट ऑन द ग्राउंड रखें। इतनी ही हाइट पर बैठना है कि ज्यादा ऐसे आपको उठा के ना रखना पड़े, बिल्कुल फ्लैट ऑन द ग्राउंड रखेंगे। अब एक एक पैर से पहले हम सांस भरते हुए राइट पैर को उठाएंगे, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल बिल्कुल आपका जो हिप जॉइंट है उसके बिल्कुल सीध में रहेगा, पैरेलल रहेगा बिल्कुल ऐसे, और टोस को अपनी तरफ खींचें और थाई का ये जो हिस्सा है नी के ऊपर थाई का बीच का हिस्सा, इसको टाइटन करें बिल्कुल हार्ड, इट शुड बी सॉलिड हार्ड। यहाँ पे अपने आप इन मसल्स को स्ट्रेंथ देके नीज पे जो प्रेशर आ रहा है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो आपका फिर चलना फिरना उठना बैठना सब आसान हो जाएगा। ऐसे ही उठा के रखें, कम से कम 10 टू 20 के काउंट तक आपने उठा के रखना है। पैर को अपनी तरफ खींचते हुए पहले 10 के काउंट से शुरू करेंगे, धीरे धीरे काउंट बढ़ाएंगे, 10 के बाद 15, 15 के बाद फिर धीरे धीरे, अबाउट इन अ वीक्स टाइम यू कैन डू इट अप टू 20 काउंट वापस। फिर दूसरे पैर से भी, किसी किसी के एक नी में ज्यादा पेन होता है पर करिए दोनों से, ऐसा नहीं है कि जिस नी में पेन है सिर्फ उसी से करना है, दोनों से करना है और ऑल्टरनेट करते हुए बारी बारी से करना है। कीप योर बैक स्ट्रेट, होल्ड योर ब्रेथ इन, सांस भर के पैर को उठाएंगे, टोज को अपनी तरफ पुल करेंगे, नी को लॉक कर देंगे सीधा बिल्कुल, और थाई के जो मसल्स हैं यहाँ पे नी के अबव इनको टाइटन करना है बिल्कुल रॉक सॉलिड, इतना टाइट करें कि आपको महसूस हो यहाँ जब हाथ लगाएं तो आपको लगे कि हाँ दे आर वेरी टाइट सॉलिड है। अकेली ये एक्सरसाइज आपके नी सर्जरी को एलिमिनेट करने में बहुत हेल्पफुल है। वापस फिर से करेंगे, बिल्कुल टाइटन कर दें, यही है मेन, आपको ये पोर्शन टाइट करना है। आपने कुर्सी आसन चेयर पोस्चर भी सीखा है वो भी अच्छा है, वो भी आप कर सकते हैं, वो आपके काफ मसल्स और थाई मसल्स दोनों को स्ट्रेंथन करता है, तो वो भी घुटनों पे से प्रेशर आपका हटाता है, मगर घुटनों में अगर ऑलरेडी पेन है तो वो करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये वाली एक्सरसाइज करना आसान होता है, तो इसको कर लें पहले, और जब स्ट्रेंथ आ जाए आपके घुटनों में तो फिर आप चेयर पॉस्चर भी जरूर करें प्रतिदिन। तो इसको उठा के रखें, थोड़ा सा ऊपर की ओर रहना चाहिए, लेफ्ट नीचे करेंगे, लेफ्ट पैर से उठा के रखें, टोस को अपनी तरफ थोड़ा पुल करें, थाई मसल्स को टाइटन करें, इसको भी आपने 10-10 बार दोनों पैरों से करना है और दो बार करना है सुबह और शाम। सर्टेनली यू कैन अवॉइड नी सर्जरी विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सरसाइजेस। जो अभी आपने दो एक्सरसाइजेस कर, एक नीचे बैठकर मैंने बताई आपको, वो एक्सरसाइज भी आप बेड के ऊपर कर सकते हैं, हाँ बहुत सॉफ्ट मैट्रेस नहीं होना चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं अपने बेड के ऊपर बैठकर, और या फिर फ्लोर पर करें दरी बिछाकर या योगा मैट बिछाकर आप कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज आपने ये सीखी, अब तीसरी एक्सरसाइज हम खड़े होकर करेंगे। आपके ये जो घुटने हैं इनको आपने सिकोड़ना है और ढीला छोड़ना है, खड़े होकर सीधा खड़े होकर करना है इसको। ये देखिए आपके जो घुटने हैं यहाँ से ये टाइटन करेंगे, पीछे से भी होगा और ये साइड से भी होगा, इनको टाइटन करें, सिकोड़े अंदर की ओर और ढीला छोड़े। जब टाइटन करेंगे तो ब्रेथ को होल्ड करेंगे, सांस भर के होल्ड करें और इनको टाइटन करें, सीधा भी कर सकते हैं और ऐसे थोड़ा सा ऐसे पकड़ के ऊपर से तब भी कर सकते हैं इनको। थोड़ी देर 5 के काउंट तक होल्ड करें, फिर रिलीज करें, रिलैक्स कर दें, फिर से करें,
उससे भी इस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर नीज। फिर एक और एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है घुटनों को रोटेट करना। कैसे करना है, यहाँ से हल्का सा पकड़ लें, ऐसे घुटनों को थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देते हुए पकड़ लें, दोनों पैरों को बिल्कुल एक साथ रखेंगे और गोल घुमाएंगे, सीधा करते हुए फिर थोड़ा झुकते हुए रोटेशन दीजिए इस तरीके से। तो ये आपके काफ मसल्स को इम्प्रूव करता है और नी पर से सारा प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर जो आ रहा है नी जॉइंट पर, उसको हटाता है। और एक बात, हाँ, ट्रेडमिल ना करें, ट्रेडमिल घुटनों के लिए अच्छी नहीं होती, ट्रेडमिल पे ना चलें। दूसरी तरफ से भी घुमा लेंगे, इसको आप 8-10 बार दोनों साइड घुमा लें, 8-8, 10-10 बार दोनों साइड से घुमा लें। तो ये आपके नीज के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा हमने पैरों के कुछ और घुटनों को घुमाना, फॉरवर्ड रोटेशन हमने किया था एक एक घुटने से, फिर ऐसे ऐसे रख के ये टोज की मसाज, फिर एंकल की गोल गोल मसाज, फिर ऊपर उठाना, नीचे लगाना, फिर ऐसे दोनों तरफ पूरा करना। ये भी हमारे सारे लेग जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं, इनको भी आप कर सकते हैं, चेंज करके कर सकते हैं। बट जो आज मैंने आपको ये चार एक्सरसाइजेस बताई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए। तो इनको आपने प्रतिदिन करना है। अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो दूसरी और एक्सरसाइजेस ना भी करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा हाथों के सूक्ष्म व्यायाम हमने 2-3 बार रिपीट किए हैं, वो सारे आप कर सकते हैं, विच आर वेरी गुड फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। वो भी एक आपका काफी तकलीफ दे होता है, गर्दन में, कंधों में दर्द जैसे होता रहता है लगातार, बहुत अनईजी फील करते हैं आप, किसी भी काम को करते हुए तकलीफ होती है क्योंकि आपके आर्म्स को, शोल्डर्स को अफेक्ट करता है वो, और हेड को आप बेंड फॉरवर्ड। हाँ, ये भी ध्यान रखें कि सिर को आगे झुकाना नहीं है, जितना हो सके सिर को सीधा या थोड़ा पीछे की तरफ रखें। तो एक ये एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हैं, जैसे दोनों पैर सामने दंडासन की स्थिति में, दोनों हाथ बगल में सपोर्ट देते हुए और सिर को ऐसे पीछे डालें। और अगर नीले आकाश के नीचे बैठकर करते हैं, छत पर बैठकर करते हैं, तो और भी अच्छा होता है। इट्स वेरी गुड फॉर आवर माइंड, मतलब हमारे मन को, हमारे ब्रेन को बहुत शांति मिलती है और हमारा जो थॉट प्रोसीजर है वो एक्सपैंड होता है। जैसे आकाश को कहते हैं ना, विराट है, विशाल है, ऐसे ही हमारे थॉट्स में भी वो गुण आता है, वो आकाश वाला। तो आकाश को देखें, सफेद व्हाइट क्लाउड्स हैं वो भी बहुत सूदिंग होते हैं, या नीला आकाश, वो तो बहुत ही अच्छा होता है अगर आप कर सकते हैं छत पर बैठकर। तो ये 2-3 मिनट तक इस तरीके से पीछे गर्दन को छोड़कर ढीला और ऊपर देखें, तो ये बहुत अच्छा है सर्वाइकल के लिए। तो वो भी आपके एक्स एंड पेन्स में आ जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी। और जो व्यायाम हम कर रहे हैं 2-3 बार हमने रिपीट किए हैं, तो जैसे ये कलाइयों के लिए ऑपोजिट रोटेशन, फिर उसके बाद ये जो कोहनियों के लिए, कंधों के लिए एल्बो रोटेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में भी, फिर हमारा ये शोल्डर स्ट्रेच, ये आर्म्स को दोनों तरफ कलाइयों से पकड़ के स्ट्रेच करना फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छा है। फिर रिलैक्स करने के लिए शोल्डर्स को रोटेट करना दोनों डायरेक्शन में, आगे भी पीछे भी, और फिर टेंशन हेडेक को रिलीव करने के लिए या सिर के भारीपन को हल्का करने के लिए आप कर सकते हैं इस तरीके से, एंटी प्रेशर डालना और वाइब्रेशन होने तक प्रेशर डालते रहना, तो ये आप कर सकते हैं। फिर इसको सामने से कर सकते हैं, फिर साइड टेम्पल पर दबाकर उसी तरह से ब्रेथ को रिलीज करते हुए रिलैक्स हो जाएं, लेफ्ट साइड भी करें और नीचे से भी करें, इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। फिर गर्दन के व्यायाम भी आपने सीखे, ऊपर
नीचे नीचे ज्यादा नहीं झुकाना है। अगर सर्वाइकल ऑलरेडी है आपको, गर्दन में कंधों में दर्द है, तो आगे नहीं झुकाना है, ऊपर ले जाएं और सामने सीधा करके रुक जाएं, नीचे की ओर नहीं करेंगे। फिर साइडवेज कर सकते हैं, राइट साइड पूरा, आंखें भी घुमाएं साथ में, ऐसे लेफ्ट साइड से भी, तो इस तरीके से करें। फिर दोनों हाथ इस तरीके से या तो घुटनों पर लॉक करें या साइड में रख दें, और इस तरीके से रखते हुए फिर कंधों से कान को लगाना, ये भी गर्दन के लिए बहुत अच्छा है। सांस भरते हुए राइट साइड कंधे पे टच करें, वापस ले आएं, इसी तरह लेफ्ट साइड ले जाएं कंधों तक, कान को टच करने की कोशिश करें, पूरा टच ना भी हो, जितना हो पाए, और वापस फिर रोटेशन करें गर्दन को, धीरे धीरे आप क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। तो ये गर्दन के कुछ व्यायाम आप जरूर करें, बहुत अच्छे होते हैं। तो कंधों के, गर्दन के, और फिर हमारे कलाइयों के, ये व्यायाम आप करें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इम्प्रूव होता है, ठीक होता है। ये व्यायाम हमारे जो मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम है, लोकोमोटिव सिस्टम है, उसकी जो एनोमेलीज हैं, उसकी जो विकार हैं या रोग कह सकते हैं उनको, वो ठीक होते हैं आसन और व्यायाम से। प्राणायाम इनर हीलिंग का काम करता है। जैसे मैंने बताया, कपालभाति करेंगे तो आपके कार्टिलेज दोबारा बन जाएंगे, साइनोवियल फ्लूइड या ग्रीस फिर से बन जाएगा अगर कम हो गया है तो ये जो परमानेंट इफेक्ट है, इनर अंदर से जो हीलिंग है वो प्राणायाम से होगी, पर जो आपका स्ट्रक्चरल या लोकोमोटिव जो डिसऑर्डर्स हैं वो करेक्ट हो जाते हैं आपके, या पॉस्चर, इवन पॉस्चर की जो पॉस्चरल डिफेक्ट्स होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो आपका बैठना, आपका सोना, इस पे बहुत ध्यान दें, अपने पॉस्चर पर पूरा ध्यान दें, सही तरीके से सही पॉस्चर में सोएं और सही पॉस्चर में ही बैठें, हमेशा रीढ़ की हड्डी को यथासंभव सीधा रखकर बैठें, बहुत जरूरी है। झुकना हो तो ज्यादा देर झुककर लगातार काम ना करें, बीच बीच में चेंज योर पॉस्चर, स्ट्रेटन करें अपने बैक को, थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड हो हल्का सा, और कमर दर्द भी, जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस लोअर बैक एक रहता है, उन्हें भी आगे झुकना यथासंभव अवॉइड करना चाहिए। एज फार एज पॉसिबल यू हैव टू अवॉइड बेंडिंग फॉरवर्ड, तो जितना हो सके बैकवर्ड बेंडिंग करें, साइडवेज बेंडिंग कर लें वो भी ठीक है, मगर फॉरवर्ड बेंडिंग टोटली अवॉइड करना है हमें। चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं, मैंने आपको नीज के लिए स्पेशल एक्सरसाइजेस बता दी, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम हमने रिवाइज कर लिए शॉर्ट में, क्योंकि अभी बहुत सारे आपको और भी मुझे क्रियाएं बतानी है, तो इसलिए आज उनको जल्दी जल्दी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम लगभग 3 बार उनको कर चुके हैं पहले। तो अब हम करेंगे बैठ कर करने वाले कुछ आसन जो कि बहुत इफेक्टिव हैं आपकी कमर दर्द को रिलीव करने के लिए। तो इसमें आता है उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन। आपको नीज पर बैठना है, जैसे नील डाउन होते हैं ना, वैसे ऐसे नील डाउन, ये पोजीशन रहती है स्टार्टिंग। और अपने टोज को आप रेज राइज कर सकते हैं, ऐसे रेज कर सकते हैं, कर्ल करके टोज को उठा सकते हैं, और इसमें भी आप कर सकते हैं, या फ्लैट ऐसे रखें उसमें भी आप कर सकते हैं। तो उष्ट्रासन पहले दिन नहीं होगा आपका, तो अर्ध उष्ट्रासन और अर्ध चंद्रासन ये आप इजीली कर सकते हैं। तो कैसे करना है, दोनों नीज के बीच में देखिए थोड़ा फासला है, थोड़ा सा गैप रखेंगे, बिल्कुल टच करके रखेंगे तो स्ट्रॉन्ग पोस्चर, स्टेबल पोस्चर नहीं बनेगा, तो बैकवर्ड आप गिर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका। थोड़े से नीज के बीच में गैप होना चाहिए, अबाउट 7-8 इंचेस का ये जो गैप है, 8-10 इंचेस का भी हो सकता है, दोज हु आर टॉलर उनके लिए, तो उतना गैप आप रख के नीज के बीच में, और पीछे से पंजों को फ्लैट रखेंगे। अब जो आपका राइट हैंड है उसको उठा के आप अपने बाई बाजू के अंदर ऐसे डाल दीजिए साइड में, और जो ये मतलब हार्ट के ऊपर से ले जाते हुए और यहाँ दबा दीजिए, और जो लेफ्ट हैंड है उसको राइट आर्म पर ले आइए, इस तरीके से होल्ड करेंगे, और लंबा गहरा सांस अंदर भरते हुए अंदर होल्ड करेंगे, और धीरे धीरे सिर को पीछे ले जाते हुए बॉडी को पीछे की ओर बेंड करेंगे, अपर बॉडी को सिर्फ चेस्ट तक आपने बेंड करना है।
ज्यादा ना रुके, चक्कर आ सकता है, तो थोड़ा बस 3-4 सेकेंड रुकना है और वापस आ जाना है। इसको अर्धचंद्रासन कहते हैं। और अर्धउष्ट्रासन, उसमें आपने हाथों को पीछे ले जाना है। मैं साइडवेज दिखाती हूँ आपको, इस तरीके से हाथों को पीछे रखना है, जैसे हम खड़े होके अर्धचक्रासन करते हैं, वैसे ही नील डाउन पोजीशन में आप अर्धउष्ट्रासन करते हैं। तो ये भी बैकएक के लिए अच्छा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी अच्छा है, हमारी कमर से लेके ऊपर अपर नेक तक हमारा ये बहुत इफेक्टिव होता है पेन या निक्स को रिलीव करने में। इसको भी आप 4-6 बार रिपीट कर सकते हैं। दिस इज अर्ध उष्ट्रासन, कैमल पॉस्चर, हाफ हाफ कैमल पॉस्चर है ये। तो इसके बाद मैं आपको लेट कर आसन बताती हूँ। पेट के बल पहले लेट जाएं। इसमें से भी कुछ आसन हमने पहले किए हैं। दोनों हाथों का स्टैंड बनाएंगे, दोनों पाम को जोड़ के कप बनाएंगे और चिन को उसमें रखते हुए एक-एक पैर को मोड़ते हुए ऐसे हील को हिप तक लाएंगे। सो कीप ब्रीदिंग इन एंड आउट, ब्रीद इन अप, लेग को ऊपर उठाएंगे, ब्रीद आउट नीचे। तो ऐसे ऑल्टरनेट दोनों पैर से बारी बारी। बड़ा इंजॉयबल पॉस्चर है ये, बच्चे टीनेजर्स करते हैं इसको, वैसे ही आपस में बात करते हुए पढ़ते हुए दे डू इट ऑल द टाइम। दोनों पैरों से एक साथ तो इसको 10-10, 20-20 बार आप कर सकते हैं। दिस इज मकर आसन, क्रोकोडाइल पॉस्चर, हमने एक बार पहले भी किया था। आइए अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन इज कोबरा पॉस्चर और ये बैकएक के लिए बिल्कुल अचूक इलाज है, बहुत बढ़िया इलाज है ये बैकएक का। नियमित करते रहेंगे तो बैकएक होगा नहीं, और अगर है तो जितने इसके 4 पॉस्चर में आज आपको बताऊंगी। 4 स्टेप्स थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, एक ही बार में नहीं होंगे आपसे, मगर धीरे धीरे अभ्यास से अगर बैकएक है तो भी पहला करें, फिर दूसरा इंक्लूड करें, थोड़े टाइम बाद तीसरा भी इंक्लूड करें, और फिर चौथा पूर्ण भुजंगासन उसको भी इंक्लूड करें। तो धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले हम साधारण भुजंगासन करेंगे। दोनों जो आपके पाम्स हैं ब्रेस्ट के पैरेलल दोनों साइड में आ जाएंगे। चिन ऑन द फ्लोर, फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर टुगेदर, फीट एकदम टुगेदर रहेंगे, हील्स एंड टोज जुड़े हुए। पैरों को जमीन पे ही रखना है, सिर्फ अपर बॉडी को उठाना है नेवल तक। धीरे धीरे उठाएंगे, धीरे 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 धीरे, और ऊपर देखेंगे, नाभि तक उठ जाएगा, पैर पास पास। वेरी गुड फॉर योर नेक मसल, शोल्डर मसल और अपर बैक, पेट तक पूरा जो आपका रीढ़ की हड्डी है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है भुजंगासन। यही एक पॉस्चर भी आप कर लेते हैं प्रतिदिन अभ्यास 8-10 बार तो इनफ है आपके बैकएक को रिड्यूस करने के लिए। धीरे धीरे करेंगे, जितना उठा सकते हैं, अगर पूरा नेवल तक नहीं उठता तो चेस्ट तक उठाइए, रिब्स तक उठाइए। सेकेंड पॉस्चर करेंगे, इसी को हाथ यहीं रखते हुए तिर्यक भुजंगासन, खोल दीजिए पैरों को, बस इतना डिफरेंस होगा आपके स्टार्टिंग पॉस्चर में। चिन ऑन द फ्लोर ही रहेगा, दोनों पैरों में 1.5 फुट, कम से कम 1.5 फुट का फासला हो जाएगा। अब अपर बॉडी को रेज करिए पहले की तरह नेवल तक, और ट्विस्ट, ये ट्विस्टेड कोबरा पॉस्चर है तो एक तरफ से घूमना है हमें, राइट साइड शोल्डर के ऊपर से ऑपोजिट हील को देखेंगे। राइट साइड घूम रही हूं तो लेफ्ट हील तक मेरी दृष्टि जानी चाहिए, लेफ्ट हील पे फोकस करना है मुझे आइस को कुछ सेकंड के लिए।
वापस आए सीधा और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर दूसरी तरफ से करने के लिए अगेन रेज योर बॉडी, सांस भरते हुए उठाएंगे। ऑपोजिट हील को, अब लेफ्ट साइड से देख रही हूं तो राइट हील पे आई साइड को फोकस करना है। थोड़ी देर रुकेंगे यहीं पर। स्ट्रेटन अप योर बॉडी और नीचे आएंगे सांस छोड़ते हुए। तो ये था ट्विस्टेड कोबरा पॉस्चर, तिर्यक भुजंग आसन। थर्ड पॉस्चर जो है, फीट टुगेदर, अगेन फ्लैट ऑन द ग्राउंड। अब दोनों हाथ जो है आपके बिल्कुल साइड से लगा लीजिए अपनी बॉडी के साथ, थंब साइड से बिल्कुल जोड़ लीजिए। प्रेशर जमीन पर नहीं होना चाहिए, चिन ऑन द फ्लोर, हाथ भी जमीन को टच करते हुए, मगर दबाव नहीं डालेंगे हाथों के ऊपर, हाथों का सपोर्ट नहीं लेना है, हाथों को भी बॉडी के साथ उठा दीजिए। सर पासन ज्यादा नहीं उठा पाएंगे, नेवल तक नहीं उठेगा, रिब्स के निचले सिरे टिके रहेंगे, आपके चेस्ट का जो नीचे का हिस्सा है रिब्स का वो टिका रहेगा फ्लोर पर, बस इतना ही उठा पाएंगे। होल्ड द ब्रेथ और छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। तो ये भी बहुत अच्छा है, सर्पासन, स्नेक पॉस्चर, तो इसको आप कर सकते हैं। तो इसमें बॉडी को रेज ज्यादा नहीं कर पाएंगे, मगर बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि प्रेशर आप सपोर्ट नहीं ले रहे, तो पूरा आपकी स्पाइन को ही स्ट्रेंथ मिल रही है, पूरी उसकी जो ताकत है वो बढ़ रही है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। अब हम करेंगे पूर्ण भुजंगासन, कंप्लीट कोबरा पॉस्चर इसको कहते हैं। चिन और चेस्ट के बीच में जो जगह है वहां पे अपनी पाम को प्लेस करें, दूसरी पाम, राइट पाम ऊपर रखेंगे, चिन और चेस्ट के बीच की जगह जो है वहां पर। अब आपने प्रेशर डालना है पाम्स के ऊपर और बिल्कुल एल्बोज को स्ट्रेटन अप कर देना है। पहले एल्बोज हमारे बेंड थे, अब पूरे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। ऊपर देखिए, पीछे की ओर थोड़ा, सामने ऊपर देखना है, गर्दन पीछे की ओर, सिर थोड़ा पीछे की ओर, अब नाभि से नीचे लगभग अपर थाइस तक पूरी बॉडी आपकी उठ जाएगी। पूर्ण भुजंग आसन, फीट टुगेदर, धीरे धीरे वापस आना है हमें, स्लोली, चिन ऑन द फ्लोर। इसको भी आप 5, 6, 7, 8 बार रिपीट कर सकते हैं, पूर्ण भुजंग आसन। तो ये चार थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी का लेवल बढ़ते हुए, तो एक एक करके इनको अपने रूटीन में इंक्लूड करें। When you are comfortable with the first posture, include the second, then third, and then gradually fourth. तो इस तरीके से आप करेंगे। अब हम करेंगे अगला आसन, which is called शलभासन और kite posture. The kite the insect, जो insect होता है, जैसे उड़ता है टिड्डी, शलभ जिसको कहते हैं संस्कृत में, तो शलभासन हम कर रहे हैं। दोनों हाथ, दोनों palms को thighs के नीचे लगा लें, एक एक पैर को उठाएंगे, चिन ऑन द फ्लोर रहेगा, ब्रीदिंग इन, रेज वन लेग स्ट्रेट, बिल्कुल नी को आप बेंट नहीं करना है, मोड़ना नहीं है, पूरा उठा लें, वेरी गुड फॉर योर लोअर बैक एंड लेग्स, लेग मसल्स को इंप्रूव करता है, मसल टोन इंप्रूव होती है आपकी, पूरे बिग टो से लेके और वेस्ट वेस्ट लाइन तक। वापिस दूसरी तरफ से अल्टरनेट करते हुए दूसरा पैर उठाएंगे, होल्ड योर ब्रेथ व्हाइल होल्डिंग द लेग अप, धीरे धीरे वापस लाना है। दोनों पैरों से करने के लिए आपको हाथों की मुट्ठी बनानी पड़ेगी, अंगूठा अंदर डाल के मुट्ठियां बनाएं और दोनों हाथों को वैसे ही थाइस के नीचे रखते हुए दोनों पैरों को एक साथ जोड़कर उठा दें।
ग्रेजुअली धीरे धीरे नीचे लाएंगे। रिलैक्स। रिलैक्स कैसे करना है? पैरों को खोल दीजिए, मकर आसन, क्रोकोडाइल पॉस्चर का रिलैक्सेशन पॉस्चर। सिर को दाएं बाएं या फोरहेड पे भी, फोरहेड को रख सकते हैं पाम्स के ऊपर। अपनी नाभि के बीट को सुनेंगे, मन एकदम शांत स्थिर हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे। बॉडी को ढीला छोड़ दें। एक एक मसल जॉइंट को जैसे आप शवासन करते हैं वैसे ही मकर आसन में भी विश्राम करें। बस 30-40 सेकंड बीच बीच में विश्राम करना है। सीधे लेटे हूं तो शवासन में, उल्टे लेटे हूं पेट के बल तो मकर आसन में। पैरों को जितना खोलेंगे उतना रिलैक्सेशन अच्छा होगा। तो पूरा नीचे पैर खुले हुए, हथेलियां एक के ऊपर एक, या तो साइड से हेड को रखें या फोर हेड को रखें। कीप ब्रीदिंग। धीरे धीरे एग्जर्शन आपका निकल जाएगा, ब्रेथ नॉर्मल हो जाएगी। बस अराउंड 1 मिनट, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है बीच बीच में। आइए अगला अभ्यास शलभासन का करेंगे। अभी हमने एक पॉस्चर किया, एक एक पैर से भी और फिर दोनों पैरों से। सेकेंड पॉस्चर, एक हाथ कमर पर, ये लंबा रीजन पे रखेंगे ऐसे, पाम ऊपर की ओर करते हुए। दूसरा हाथ सामने, बिल्कुल सामने सेंटर पे पॉइंट करता हुआ। ऑपोजिट पैर, राइट हैंड है तो लेफ्ट लेग उठा दीजिए वापस। चिन ऑन द फ्लोर। हाथ बदल लेंगे, पैर भी बदल लेंगे। बहुत अच्छा स्ट्रेच है, हाथ भी स्ट्रेच करेंगे, पैर को पीछे की ओर, हाथ को फॉरवर्ड आगे की ओर स्ट्रेच करते हुए करेंगे। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये भी, हमारी पूरी स्पाइन को रियलाइन करने के लिए बहुत अच्छी है। शलभासन इनफैक्ट पूरा ही एक एंड टू एंड स्ट्रेच देता है हमारी स्पाइन को पूरा, बल्कि पैर के अंगूठे तक स्ट्रेच दे देता है पूरा, नेक से लेके और पैर के अंगूठे तक पूरा स्ट्रेच दे देता है ये। अगला करेंगे जो अर्ध शलभासन जिसे कहते हैं। ये तो अभी स्ट्रेच किया हमने, पहले पैरों को किया, अब फिर फुल बॉडी को हाथ और पैर मिला के किया। अब हम करेंगे ऐसे अर्ध शलभासन, अपर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और नीचे टोस तक पूरा खींच कर रखेंगे बॉडी को। ऐसे कलाई को पकड़ लीजिए, एक हथेली के ऊपर रख के पाम के ऊपर रिस्ट को रखेंगे, पकड़ लेंगे। अब हाथों को तो उठा देना है सीधा करके, एल्बोज अभी मुड़े हुए हैं ऐसे सीधे हो जाएंगे, और अपर बॉडी को सांस भरते हुए उठा लेना है। बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच मिलता है पूरी बॉडी को, पूरी अकड़न जकड़न सब निकल जाती है, जो मसल क्रैम्प्स वगैरह सब निकल जाते हैं, या जो एक्सर्शन के कारण अगर आपको मसल्स में पेन हो रहा हो वो भी निकल जाता है। अब यही पोस्चर पूर्ण शलभासन, इसमें पैरों को भी उठा लेना है एक साथ जोड़कर। आपके एड़िया और पंजे जुड़े रहेंगे, बिग टोज एंड हील्स टुगेदर, ऐसे पैरों को जोड़कर रखेंगे। पैरों को भी उठाएंगे और ये जो हाथ हैं आपके सीधे हो जाएंगे बिल्कुल ऐसे, दोनों आर्म्स कलाई को वैसे ही पकड़ लें और अपर बॉडी को उठा लें पैरों के साथ साथ, सांस भरते हुए करेंगे। इसमें आप पहले 3-4 सेकंड रुक पाएंगे, फिर धीरे धीरे 8-10 सेकंड तक रुकें, और अभ्यास हो जाए तो 15-20 सेकंड भी रुक सकते हैं पूर्ण शलभासन में। इससे कंप्लीट बॉडी स्ट्रेच, स्पेशली स्पाइन से टो तक बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको मिलता है, नेक से टो तक। तो ये पूर्ण शलभासन, 4 अभ्यास हमने किए। ये भी धीरे धीरे डिफिकल्टी का लेवल बढ़ाते हुए आप एक एक करके इनको अपने अभ्यास में इंक्लूड करें। पहले 2 आप कर सकते हैं शुरू से, उसके बाद दोनों पैरों से रेज नहीं होगा आपका, दोनों पैर एक साथ, तो पहले एक एक पैर से करें, फिर उसके बाद ये वाला स्ट्रेच करें एक पैर एक हाथ वाला, और उसके
से बाद फिर अर्ध शलभासन और पूर्ण शलभासन को धीरे धीरे अपने रूटीन में इंक्लूड करें। अब इसके बाद हम करते हैं धनुरासन। धनुरासन भी बहुत अच्छा है आपके बैक एक के लिए, बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके साथ साथ लेग्स को भी। दोनों पैरों को नीचे ऐसे मोड़कर एंकल्स को ऐसे पकड़ लीजिए, उठाएंगे इससे कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव होता है, आपके लोअर एब्डोमिनल पेल्विक ऑर्गन्स उनको भी स्ट्रेंथ मिलती है, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, साथ ही साथ ये आपके बैक को भी स्ट्रेंथन करता है, बैक मसल्स को। तो ये थे हमारे उल्टे लेटकर करने वाले आसन, अब सीधे लेटकर करते हैं। दोनों हाथों को फैला लें। हमने मरकट आसन किया था अभी 2 दिन पहले, वही 4 पोस्चर आपको करने हैं। बहुत अच्छा है, बहुत रिलैक्सेशन देता है, इंस्टेंट रिलैक्सेशन देता है बैक को। अगर आपको बैक एक हो रहा है तो उसको रिलीव करने में भी बहुत मदद करता है। दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, नीज को फोल्ड करेंगे, हील्स को बिल्कुल हिप्स के पास रखेंगे, बिल्कुल साथ साथ दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ बिल्कुल खुले हुए, पाम फेसिंग अपवर्ड, एक तरफ पैर दूसरी तरफ सिर, सांस भरते हुए होल्ड करना है पॉस्चर। होल्ड योर ब्रेथ वाइल होल्डिंग द पॉस्चर, नाउ कम बैक ब्रीदिंग आउट। दूसरी तरफ से पैर के ऊपर पैर, घुटने के ऊपर घुटना, काफ के ऊपर काफ, इस तरीके से बिल्कुल आपके पैर जुड़े रहेंगे, सिर हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। पैर अगर बाईं तरफ है तो सिर दाईं तरफ, पैर दाहिनी तरफ है तो सिर बाईं तरफ, ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नीज आपके पॉइंट करेंगे लेफ्ट में तो हेड होगा राइट में वापस। तो इस तरीके से आप करें, ये इसको भी आप रिपीट करेंगे 6 से 8 बार जरूर कर लें इसको, बहुत अच्छा है। सेकेंड पोस्चर जो है पैरों को खोल लें, अराउंड 1 फुट का फासला लेंगे दोनों नीज और दोनों पैरों के बीच में, नीचे जो पंजे हैं वो भी 1 फुट की दूरी पर रहेंगे। दोनों हाथ इसी तरह खुले रहेंगे, पाम फेसिंग अपवर्ड, शोल्डर के पैरेलल रहेंगे, ये सेकेंड पोस्चर। अब हमारे घुटने के ऊपर घुटना नहीं आएगा, नीचे वाले पैर के पंजे के बीच में जाकर टिक जाएगा, सिर ऑपोजिट, पैर दाहिनी तरफ तो सिर बाईं तरफ, होल्ड योर ब्रेथ, रिलैक्स, पूरा अच्छे से रिलैक्स हो जाएंगे इसमें, ज्यादा आपने वो ब्रेथ को बस होल्ड करके रखना है, एंड लेट द बॉडी रिमेन इन दिस पोजिशन। वापस सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरों को ले जाएं, सिर हमेशा सिर के विपरीत जाएगा, पैर बाईं तरफ तो सिर दाहिनी तरफ, अगेन दिस पोस्चर शुड ऑल्सो बी रिपीटेड 7-8 टाइम्स। एक एक पैर से अब हम करेंगे उसको पाम के पास आपको लाना है, राइट पैर को बिल्कुल 90 डिग्री पर सीधा उठा दीजिए और इसको ले जाएंगे नीचे वाली जो पाम है हमारी ऑपोजिट, लेफ्ट पाम, राइट लेग तो लेफ्ट पाम, इस तरीके से सिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, वापस 90 डिग्री पर लाकर फिर धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए नीचे लाएंगे। इसी तरह आप लेफ्ट पैर से भी करेंगे, सीधा 90 डिग्री उठा लीजिए, नीचे लाएंगे पाम के पास, पकड़ लीजिए टो को, ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर ले जाइए,
वापस। ये मर्कटासन या मंकी पोस्चर का थर्ड पोस्चर हमने किया, थर्ड अभ्यास था ये। फोर्थ के लिए सियाटिका वालों के लिए, ये भी सियाटिका के लिए जो भी आप कर रहे हैं सारे बहुत अच्छे हैं, पूरा मंकी पोस्चर 1 2 3 4 सब बहुत अच्छे हैं। फोर्थ वन इज स्पेशली इफेक्टिव, ये जो है बहुत इफेक्टिव है सियाटिका के लिए। हाथ वही रहेंगे, हाथों की पोजिशन चारों पोस्चर्स में यही रहेगी इसी तरह, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स द रूफ, इसी तरह के से आपने बिग टो और एडजेसेंट टो के बीच में अपनी हील को प्लेस करें, और जो ऊपर वाला बिग टो है उसको जमीन से हमें टच करना है, टर्न करते हुए नीचे टच करेंगे, ब्रेथ को अंदर होल्ड करें, वापस आए सांस छोड़ते हुए, फिर से ब्रेथ को अंदर लेके होल्ड कर लें, नीचे लगा दें सिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, हाथ और सिर चारों पोस्चर में सेम तरीके से जाएंगे, सिर्फ पैरों की पोजीशन हर पोस्चर में चेंज हो रही है, 3 बार कर लें या 5 बार कर लें एक डायरेक्शन में और वापस आ जाएं। अब चेंज करेंगे, ऊपर वाले बिग टो को जमीन पे लगाना है, सिर को ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर लेना है, वापस अगेन, वेरी गुड फॉर साइटिका। और साइटिका के लिए क्या कर सकते हैं, पारिजात या हार सिंगार, ऑरेंज गंदी वाले सफेद फूल, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स होते हैं, आश्रम में भी एक दो पेड़ लगे हुए हैं उसके, तो वो आप उसके फूल इकट्ठे कर लें या उसके पत्ते भी ले सकते हैं, फूलों का सीजन तो अभी है, फूल ना मिले जब तो पत्ते भी ले सकते हैं या दोनों भी ले सकते हैं, उसका काढ़ा पिए बनाकर, उसका टी बनाकर, मतलब उसको बॉइल करें, रिड्यूस इट टू हाफ एंड ड्रिंक इट ट्वाइस अ डे, सुबह शाम खाली पेट, आगे पीछे आधा आधा घंटा खाए पिए नहीं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है सियाटिका के लिए। तो ये हमने किया मर्कटासन। मर्कटासन के बाद हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। पहले पवन मुक्तासन में हमने हेड भी उठाया था, नाक को नीच से लगाया था, इसमें वो नहीं करना है, हेड को हमें रखना है, क्योंकि सर्वाइकल जब भी होता है या हमें नेक पेन शोल्डर पेन है तो हम फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करते, तो अभी भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, नेक एंड हेड रीजन को जमीन पर ही रखेंगे और सिर्फ एक एक घुटने को मोड़ते हुए हम लाएंगे और यहाँ ऐसे चेस्ट के ऊपर लाते हुए दबा देंगे। सिर उठाने वाला ये जो अभ्यास था ये नहीं करना है, सिर को आपने बिल्कुल नीचे ही रखना है, तो इस तरीके से आपने एक एक पैर से करना है ये, और फिर दोनों पैरों से भी करना है। दोनों टोज को पॉइंटेड रखेंगे, दोनों पैर के टोज सामने की ओर फॉरवर्ड पॉइंटेड, वापस दोनों पैरों से भी इसको करना है, ऐसे फोल्ड करें, पूरा दबाव पेट और चेस्ट तक आएगा नीज का, सिर बिल्कुल नहीं उठाएंगे, सीधा वापस। अब हम करेंगे एक पाद उत्तानासन, ये लोअर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा है। कैसे करना है, एक एक पैर को 90 डिग्री तक लाना है, उठाएंगे सीधा, जो पैर का सोल है उसको छत की ओर सीधा कर दीजिए। इट इज वेरी सिमिलर टू द एक्सरसाइज वी डिड ऑन सोफा, सोफे पर बैठकर जो हमने एक्सरसाइज की थी नी के लिए, ये जो पॉस्चर है उसी का स्लीपिंग सुपाइन पॉस्चर है, लेटकर वही एक्सरसाइज हो रही है, तो ये नी के लिए बहुत अच्छा है। और टोज को ऐसे पॉइंटेड रखते हैं, धीरे से नीचे ले जाते हैं, ये आपके लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये अगर ऐसे करते हैं इसको, एक एक पैर से उठाया धीरे से नीचे ले गए, दूसरा पैर 90 डिग्री तक उठाया और धीरे से नीचे ले गए, ऐसे ऑल्टरनेट करके करते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। और अगर इसको यहाँ रोक के ऐसे फ्लैटन कर देते हैं छत की ओर, इट्स वेरी गुड फॉर आर नी जॉइंट। तो ये इस तरीके से भी आप बीच बीच में कर सकते हैं। तो ये पैर भी उठाए, सीधा कर दें छत की ओर, होल्ड करें, इन मसल्स को टाइटन करें,
और थोड़ी देर रोके और फिर नीचे लाए। इस तरीके से द सेम एक्सरसाइज विच यू डिड ऑन द सोफा, सोफे पर बैठकर जो हमने पैर को सामने सीधा करके स्ट्रेच करके हार्डन किए थे ये मसल्स, बिल्कुल वही एक्सरसाइज आप लेट कर कर रहे हैं, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हमने करी लेट कर। और अब हम बैठकर करते हैं प्राणायाम, या शवासन में आप विश्राम भी कर सकते हैं इसके बाद। यस, दैट इज अ मस्ट। तो थोड़ी देर शवासन करें, और बहुत थकान हो जब आपको तो थोड़ी देर आधा घंटा आप योग निद्रा में लेते, योग निद्रा लेट कर ध्यान भी हो जाता है आपका उसमें, तो वो बहुत अच्छा एक तरीका है ध्यान करने का। बैठ कर ध्यान कर सकते हैं या फिर लेट कर भी योग निद्रा में ध्यान कर सकते हैं। तो शरीर से हाथ थोड़ी दूरी पर, पैरों के बीच में भी थोड़ा फासला, नो बॉडी पार्ट इज टचिंग अनदर पार्ट, या कोई सामने अगर अगल बगल में कोई ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं जो आपकी बॉडी को टच कर रहे हैं उन्हें भी हटा दें, चश्मा पहना है तो उसे भी हटा दें, निकाल दें। सांसों की गति धीरे होती होते सामान्य हो जाएगी, एक्सर्शन के कारण सांसों की गति बढ़ जाती है, और मसल्स भी आपके एक एक मसल एक एक जॉइंट को आप संकल्प पूर्वक ढीला छोड़ें। मन की आंखों से देखते हुए आंखें बंद रहेंगी, मन की आंखों से एक एक बॉडी पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे और ढीला छोड़ते जाएंगे। दिस इज द टेक्निक फॉर रिलैक्सेशन। पैर के टोस से शुरू करते हुए एंकल्स, काफ मसल्स, नी जॉइंट, फिर थाइज, हिप जॉइंट, पूरा बैक, शोल्डर्स, आर्म्स, पूरे फिंगर टिप्स तक, उसके बाद फिर नेवल पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए पेट के सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ेंगे, फिर चेस्ट मसल्स को ढीला छोड़ेंगे, हार्ट एंड लंग्स नॉर्मली ब्रीथ और ब्रीदिंग और बीटिंग करते हुए, फिर उसके बाद गर्दन, सिर, आईज, फोरहेड, सब ढीला छोड़ते चले जाएंगे। पूरा एक एक बॉडी पार्ट को ऑब्जर्व करना है और रिलैक्स करते जाना है। दिस इज द टेक्निक फॉर शवासन। और यही हम शुरू में योग निद्रा भी इसी तरह से करते हैं, शवासन में लेटकर संकल्प पूर्वक एक एक पार्ट को, बॉडी पार्ट को ऑब्जर्व करते हुए मन की आंखों से, और उसको रिलैक्स करना। द टेक्निक इज वेरी सिमिलर, वेरी सेम इन फ्रॉम द, पर बाद में सोना नहीं है क्योंकि लंबा करते हैं तो कई बार नींद आ जाती है, बस आपने अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रेड को पकड़ कर रखना है, दैट इज योग निद्रा। तो कीप लिसनिंग टू सम चैंटिंग और अ सीडी फॉर योग निद्रा, तो कीप लिसनिंग टू दोज इंस्ट्रक्शंस, तो वो आप सुनते रहेंगे तो आपकी कॉन्शियसनेस जो है पूरी लॉस्ट नहीं होगी, आप डीप स्लीप में नहीं जाएंगे, तो दैट इज योग निद्रा। तो आप योग निद्रा जरूर करें, बहुत रिलैक्सिंग होता है, बहुत अच्छा होता है, आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है, कॉन्शियस माइंड को रेस्ट मिल जाता है, बॉडी को कंप्लीट रेस्ट मिल जाता है। सो योग निद्रा इज वेरी गुड वे ऑफ डूइंग ध्यान, मेडिटेशन करने का एक वो भी तरीका है। करवट लेते हुए उठ जाएंगे, लेट कर करने वाले आसनों में आप कमर दर्द के लिए सेतु बंधासन या कंधरासन, जो हमने टनल पॉस्चर किया था, ब्रिज एंड टनल पॉस्चर, वो भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। तो जब हमने डायबिटीज के लिए पैकेज किया था, या एक दिन पहले भी हमने उसको किया था, दो बार हमने रिपीट किया है उसको, तो वो वाला आसन भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कमर दर्द वाले पैकेज में। इट्स वेरी गुड फॉर आर नेवल ऑल्सो, नाभि को सेंट्रलाइज करने के लिए भी बहुत अच्छा है, और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है मेल फीमेल दोनों के लिए, उनकी गुड हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो वो भी आप इस पैकेज में आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम 10 मिनट हमारे पास हैं, हम प्राणायाम रिवाइज कर लेते हैं। करने का टाइम, एक्चुअल टाइम जो है वो थोड़ा ज्यादा रहता है प्राणायाम का, बट हम उनको जस्ट थोड़ा थोड़ा करते हुए रिवाइज कर लेते हैं। वही चार मुख्य प्राणायाम आपको प्रतिदिन
दिन करने हैं, और कपालभाति अनुलोम विलोम का टाइमिंग अगर आप थोड़ा बढ़ा दें, 20 मिनट 20-20 मिनट करें, तो आपको जल्दी लाभ होना शुरू हो जाएगा। किसी भी जो लाइफस्टाइल कंडीशन में, किसी भी आपके जो क्रॉनिक जो बीमारी है जो स्लोली आती है और फिर टिकी रहती है, तो उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। मेडिसिन लेके या कुछ और लेके, आप आर्थराइटिस के लिए, जॉइंट पेन के लिए आपको क्या मिलता है, पेन किलर्स मिलते हैं या बाद में आपको स्टीरॉइड्स दे दिए जाते हैं, तो विच आर नॉट रियली गुड। पेन को ब्लॉक कर देना इज नॉट रियली क्योरिंग द पेन। तो इसलिए प्राणायाम अगर आप करेंगे तो आपके जितने भी बोन्स एंड मसल्स की प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअली वो अंदर से आपकी ठीक हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएगा आपका मेटाबॉलिज्म। तो ये सारी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के रूप, आर्थराइटिस के रूप में आते हैं, रियोमेटॉइड, ऑस्टियो या फिर गाउटी आर्थराइटिस या अलग अलग तरह के आर्थराइटिस, ये भी, ये तो प्राणायाम से ठीक होंगे। आर्थराइटिस इज क्योर्ड विद प्राणायाम ओनली। ज्वाइंट पेन इज ऑल्सो क्योर्ड विद प्राणायाम। जो बैक एक, नी एक और कुछ जो एक्स एंड पेन्स हैं, उसके लिए आसन और व्यायाम जो हमने अभी एक्सरसाइजेस की या कुछ आसन किए, ये उसके लिए बहुत इफेक्टिव हैं। तो साथ में करें, पर प्राणायाम भी बहुत जरूरी है, बल्कि ज्यादा जरूरी है नियमित प्राणायाम करना। जितने भी रोग हैं आपके शरीर के, इंटरनल डिसऑर्डर्स, आपके सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स, उन सबको करेक्ट करने के लिए प्राणायाम ही औषधि है। तो प्राणायाम आपको प्रतिदिन करना है। डीप ब्रीदिंग भस्त्रिका, लंबी गहरी सांस लेना, स्पीड आप अपने कंफर्ट लेवल पर रख सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, मीडियम पेस पर कर सकते हैं, या फास्ट एंड डीप ब्रीदिंग वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपकी कंडीशन पे और आपकी शक्ति पे, आपकी कितनी स्ट्रेंथ है बॉडी की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्पीड अडॉप्ट करें। तो वो आप कोई भी कर सकते हैं। आई वुड एडवाइज कि आप नॉर्मल डीप ब्रीदिंग करें, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और साथ में अंत में जब आप 5 मिनट कर लें, उसके बाद 3 या 5 राउंड अंतर कुंभक भी करें, होल्ड द ब्रेथ इनसाइड फॉर अ वाइल, स्टे इन इट, थोड़ी देर रुकें और उसके बाद उसको एक्सहेल करें। तो भस्त्रिका विद अंतर कुंभक, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ आपका, पहला प्राणायाम। आइए 2-3 बार कर लेते हैं इसको कुछ राउंड। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी, जब भी आप प्राणायाम करें तो बिल्कुल समाहित होकर करें, उसमें इन्वॉल्व होकर करें, बिल्कुल फील ईच एंड एवरी ब्रेथ गोइंग इनसाइड एंड कमिंग आउट। एक एक ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हुए फोकस करें, ब्रीदिंग पर फोकस करते हुए आप प्राणायाम करेंगे तो जल्दी लाभ होगा। और अगर भाव भी आपके थॉट्स उसके साथ जोड़ देंगे कि जो ब्रेथ अंदर जा रही है वो ब्रह्मांड में जो सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं या ईश्वर की शक्ति है उसको लेकर भीतर जा रही है, क्यूरेटिव पावर्स हैं उसमें, इसको फील करेंगे, जो हम मेरी एक्स एंड एलिमेंट्स हैं उनको ठीक कर रही है ये ब्रेथ, आप ऐसा अनुभव करें। और फिर जब छोड़ रही हैं तो भीतर क्या सारा स्ट्रेस या एक्स एंड पेन्स उनको लेकर मेरा जो ब्रेथ है वो बाहर निकल रहा है। तो इनहेल करते टाइम भी बहुत पॉजिटिव और एक्सहेल करते टाइम भी, कि पूरा भीतर का जो भी विकार है वो सब बाहर जा रहे हैं और बाहर की जो शक्तियां हैं, क्यूरेटिव पावर्स हैं, वो भीतर जा रहे हैं। इस तरह लगातार आप सोचेंगे तो बहुत जल्दी आपकी हीलिंग होगी, बहुत जल्दी आप क्योर हो जाएंगे। आपकी कोई भी डिजीज हो, किसी भी तरह की, प्राणायाम करते हुए हमेशा इस तरह के थॉट्स रखने चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तो बहुत जल्दी असर होगा उसका। तो भस्त्रिका करते हुए आप हमेशा इस तरह से करें कि जो ईश्वरीय एनर्जी है, गॉड्स पावर, जो गॉड्स एनर्जी जो है, सूक्ष्म एनर्जी, प्राणा एनर्जी, प्राणवायु ऑक्सीजन तो भीतर जा ही रही है, उसके साथ जो सूक्ष्म एनर्जी है प्राण की, प्राण शक्ति, वो भी मेरे भीतर जा रही है हर ब्रेथ के साथ। एंड इट्स क्योरिंग मी, इट्स रिलीविंग ऑल द पेन, इट्स जो भी मेंटल, फिजिकल, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं उन सबको एलिमिनेट कर रही है वो ब्रेथ। इस तरह से सोचिए तो आपके भाव, योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर हीलिंग प्रोसीजर। तो आप इस तरह से पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत जल्दी आपको लाभ दिखाई देने लगेंगे। और
इसके बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति आप सबको आता ही है, अच्छी तरह सीख गए हैं आप। कपालभाति में भी आपकी स्लो मीडियम फास्ट स्पीड आप अपने कंफर्ट लेवल पर रख सकते हैं, जिसमें भी आप लंबे समय तक लगातार कर पाए वो आपके लिए सही है, तो आप करें कपालभाति। इसके भी आप जितना लंबा कंटिन्यूटी में करेंगे 5 मिनट लगातार कर पाएंगे, तो दैट इज योर फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ कपालभाति प्रैक्टिस। 5 मिनट लगातार मतलब लगभग 300 स्ट्रोक कंटिन्यूटी में अगर आपने कर लिए तो वो लगभग 5 मिनट हो जाता है एट द स्पीड ऑफ 60 स्ट्रोक्स पर मिनट, तो वो आपका 300 strokes in 5 minutes, तो वो दैट इज योर फर्स्ट माइलस्टोन। धीरे धीरे आपका पहले 5-5 मिनट के 3 टुकड़ों में 15 मिनट करें, फिर इसको धीरे धीरे पहले 2 टुकड़ों में कर लें 5-5 मिनट 10 मिनट कर लें, फिर धीरे धीरे इसको 3 राउंड कर लें 15 मिनट, फिर 20 मिनट तक ले जाएं। और कर सकते हैं तो आधा घंटा भी बहुत अच्छा, आधे आधे घंटे के लेवल पे अगर आपने ये 2 प्राणायाम कर लिए कपालभाति एंड अनुलोम विलोम, तो सच मानिए आपके शरीर में कोई भी बीमारी बच नहीं सकती। जितने भी रोग हैं वो सब ठीक हो जाएंगे, चाहे वो बाहरी सिम्टम्स हो या अंदर के सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो, बिल्कुल बिल्कुल वो ठीक हो जाएंगे, क्योर हो जाएंगे। कोई भी हो, साध्य असाध्य कोई भी रोग हो आपका, जिसकी दवा है या नहीं है, प्राण ही उसकी औषधि है। अगर आप नियमित प्राणायाम करते हैं और ये 2 प्राणायाम अगर आप आधा आधे घंटे के लेवल पे कर लेते हैं प्रतिदिन, और कंटिन्यूअस आप लगभग 6-8 महीने कर लेते हैं इसको, सच में आपका कायाकल्प हो जाएगा। यू विल एक्सपीरियंस टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, शरीर के साथ साथ मन बुद्धि वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे बिल्कुल। तो कपालभाति, कपालभाति के बाद आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम उसके बाद भ्रामरी। आइए करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। हर प्राणायाम समाहित होकर करें, बिल्कुल उसी में इन्वॉल्व हो जाएं, उसी में डूब जाएं, आप उस क्रिया में ही एक रूप हो जाएं, उसी तरह से करें। कपालभाति करते हुए भी बिल्कुल उसमें समाहित हो जाएं, बस रिदमिक एक्सरसाइज आपकी चलती रहे चलती रहे चलती रहे लगातार, बहुत आसानी से आप 10 मिनट भी लगातार कर पाएंगे अगर आप रिदम में इन्वॉल्व हो जाएंगे उसके। बिल्कुल आप 10 मिनट लगातार, आपको पता भी नहीं चलेगा और 10 मिनट आपका लगातार हो जाएगा कपालभाति। डू इट एट अ कंफर्टेबल पेस, आप बिल्कुल 10 मिनट भी आप लगातार कर लेंगे। इसी तरह अनुलोम विलोम बिल्कुल आराम से आप करें, रिलैक्स होकर करें, इजीली करें पर लंबा करें। जितनी कंटिन्यूटी में लंबा करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी इज वेरी रिलैक्सिंग, हमारे जो ब्रेन के जो कहते हैं जो सुप्त शक्तियां होती हैं उनको एक्टिवेट करता है, और किसी को अगर गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन है, या इवन शिजोफ्रेनिया तक को हील कर देता है। डिप्रेशन को तो क्योर करता ही है, साथ ही साथ इवन शिजोफ्रेनिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए भी अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी साथ में करना बहुत इफेक्टिव है। आईज के लिए, हमारे दूसरे सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है भ्रामरी करना अनुलोम विलोम के साथ। साथ ही साथ हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा, हार्ट के ब्लॉकेजेस भी खुल जाते हैं अगर हम अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी भी करते हैं। तो ये पूरा रीजन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक अनुलोम विलोम और भ्रामरी, हेड हार्ट ब्रेन हमारा जो सेंस ऑर्गन्स है आंख नाक कान गला, इन सब के ऊपर काम करता है अनुलोम विलोम प्लस भ्रामरी। पार्किंसन डिजीज उस पे भी काम करता है भ्रामरी। आपके जो अल्जाइमर्स है या डिमेंशिया है, ब्रेन पावर कम हो जाता है, मेमोरी लॉस होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी। तो ये जरूर करें प्रतिदिन, ये 4 प्राणायाम तो आपने हमेशा करने हैं, रोज करने हैं, और जितना हो सके उतने ज्यादा करने हैं। भ्रामरी को भी आप 11 से 25 बार तक कर सकते हैं।
नॉर्मली वी डू इट 3 to 5 टाइम्स, बट इसको भी आप 11 से 21-25 बार तक करें. आप थोड़ी देर मन ही मन ओम का ध्यान करते हुए, हर सांस के साथ मन ही मन ओम का जाप करते हुए, ओम के वाइब्रेशन को पूरी बॉडी में एक एक सेल में अनुभव करते हुए थोड़ी देर ओमकार ध्यान या प्रणव ध्यान जरूर करें. और 3 से 5 मिनट किया जा सकता है, समय हो तो आप आधे से 1 घंटे तक भी इसको कर सकते हैं. वेरी गुड फॉर रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस, पूरा जो एंड मोस्टली लाइफ स्टाइल डिजीजेस जो भी हैं मेनली स्ट्रेस के कारण ही होती हैं. स्ट्रेस, गलत खान पान और गलत सोना जागना, ये जो है हमारा, यही हमें परिणाम देता है डिजीज के रूप में, जो ओवरवेट, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, और हार्ट कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, ये सारी जो हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं. और लाइफस्टाइल सुधारते ही आप देखेंगे कि आपसे ये डिजीजेस भी ठीक होने लगेंगी. साथ में प्रतिदिन प्राणायाम अवश्य करें. प्राणायाम इज द एलिक्सिर ऑफ लाइफ. मैंने इसको अनुभव किया है, इसीलिए आपसे बार बार मैं कह रही हूँ कि प्राणायाम रोज करें, लंबा करें, ज्यादा देर लगाएं प्राणायाम को, ज्यादा टाइम दीजिए. हमें लगता है कि हम बैठ कर कर रहे हैं, कुछ खास नहीं कर रहे, इससे क्या होगा, इसी से सब कुछ होगा. करके देखिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इसी से सब कुछ होगा. यू विल गेट अ न्यू लीज ऑन लाइफ. बिल्कुल नया शरीर, नया मन, नई बुद्धि, सब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. पूर्ण कायाकल्प का अनुभव करना है तो आधे आधे घंटे के लेवल पे कपालभाति और अनुलोम विलोम रोज करके देखिए. दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में रगड़ते हुए गर्म करें हथेलियों को. आंखों पर रखेंगे, आंखों को शक्ति भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी. कपिंग करें, पलकों को अंदर अंदर झपका लें, धीरे धीरे आंखों को खोलें. तो ये हमने प्राणायाम के साथ ध्यान जस्ट रिविजन किया है, करना आपको है, प्रैक्टिस रोज आपने करनी है. कुछ मैं आपको डूज एंड डोंट्स बताना चाहूंगी. आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, बैकएक, नी जॉइंट, ये सब एक ही तरह के विकार हैं. तो इसमें आपने कुछ परहेज करने हैं खटाई का, किसी भी तरह की जो खटाई है. एक आंवले को छोड़कर, आंवले को भी डायरेक्ट ना लेकर आप उसको आप मुरब्बे के रूप में अगर खा लें प्रतिदिन तो वो ठीक है आपके लिए. बस बाकी हर तरह की जो खटाई है उसको आपने अवॉइड करना है. एंड आपने बॉटल्ड पैकेज जो जूसेस होते हैं उनको भी अवॉइड करना है. उनमें शुगर ओवरलोड के साथ साथ सिट्रिक एसिड भी होता है. इसी तरह आपने चाइनीज फूड को अवॉइड करना है. उसमें विनेगर होता है, विच इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ. स्पेशली जो जॉइंट्स वगैरह के पेन हैं उनके लिए, बैकएक है, नी जॉइंट का पेन है, किसी भी तरह का आर्थराइटिस है, तो खटाई का परहेज आपका बिल्कुल 100% आपने फॉलो करना है. उसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स, दे कंटेन अ लॉट ऑफ एसिड, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स को टोटली आपने अवॉइड करना है. और आई एक्सपेक्ट कि आपने स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और नॉनवेज, ये तो आप अवॉइड करते ही होंगे, खाते ही नहीं होंगे, लेते ही नहीं होंगे, तो इन सब का भी परहेज करना है. खट्टा, ठंडा, बासी, ठंडे ठंडी चीजें भी अवॉइड करें. फ्रिज का पानी बिल्कुल ना पिए, जहां तक हो सके हॉट वाटर, गर्म पानी ही पिए. दिन भर आपने
सुबह जो उषापान करते हैं, उठते ही जो पानी पीते हैं वो भी गर्म पिए, उसके बाद भी दिन भर जो पानी पीते हैं वो भी गर्म लें, गर्म सूप्स लें, गर्म ड्रिंक्स लें, टी एंड कॉफी को तो अवॉइड करें क्योंकि वो भी एसिड बनाते हैं आपके शरीर में, एसिडिटी बढ़ाते हैं। कैफीन ऑलवेज, जितने भी ये चाय और कॉफी हम पीते हैं, ये कैफीनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये हमारे शरीर में एसिडिटी को बढ़ाती हैं, तो अवॉइड करें इनको जहां तक हो सके। एक दो बार लेना जरूरी लगे तो ले भी सकते हैं, बट हो सके जितना अवॉइड करेंगे इनको। मांसाहार भी एसिडिक होता है, अंडा भी एसिडिक होता है, जहां तक हो सके आप उसको अवॉइड ही करें तो अच्छा रहेगा। खड़े होकर कभी भी पानी ना पिए, वो घुटनों का दर्द लेकर आता है अपने साथ में, आपके शरीर में वात को बढ़ाता है, और वात कुपित होती है तो ये सारे एक्सटेंड पेन्स आपके बढ़ते हैं, और सबसे ज्यादा असर घुटनों पर आता है खड़े होकर पानी पीने का। तो पानी जब भी पिए बैठकर ही पिए, कब कुर्सी पर बैठे या नीचे बैठे, उकड़ू बैठे, जैसे भी बैठे, पानी हमेशा बैठकर पिए। ये एक बात तो जरूर आपने, ये नियम तो पालन करना ही है। खाने में जैसे वायु बढ़ाने वाली चीजें जो होती हैं, साबुत दालें जैसे हैं चना, राजमा, माह की दाल, उड़द की दाल, ये अवॉइड करें, और मटर, फूल गोभी, अरबी, ये भी हेवियर होते हैं, वात बढ़ाते हैं, इनको अवॉइड करें। और इसके अलावा जो लेने की चीजों में मेथी बहुत अच्छी है, लहसुन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अदरक, सौंठ, ड्राइड या फ्रेश जिंजर दोनों तरीके से बहुत अच्छा है, हल्दी बहुत अच्छी है, फिर शिलाजीत, अश्वगंधा, ये जड़ी बूटियां बहुत अच्छी हैं। अगर आपको जैसे नी पेन है या बैक एक है, अगर आपको ड्राई हीट अच्छी लगती है, ड्राई हीट सूट करती है, तो एक पोटली बना ले सूती कपड़े की, डबल कपड़ा लेके, और उसमें ढीली ढीली पोटली बनानी है आपने। 100 ग्राम नमक, 100 ग्राम रेत, जो बारीक रेती रेती होती है, बारीक रेत जो सैंड होता है, बिल्कुल बिल्कुल बारीक वाला, ग्रे कलर वाला जो रिवर बेड का सैंड होता है, वो सैंड ले लें। 100 ग्राम सेंधा नमक ले लें, पाउडर सॉल्ट, और 20-25 ग्राम अजवाइन की एक पोटली बनाएं, और हॉट प्लेट या तवे पर गरम कर करके, और उसको जिस भी पार्ट में आपके दर्द है या स्वेलिंग है उसको धीमा धीमा सेकें थोड़ी थोड़ी देर उसको। तो ये ड्राई फर्मेंटेशन, ड्राई हीट बहुत जिसको सूट करती है, वेट हीट जिसको सूट करती है, वो पारिजात का जो मैंने काढ़ा बताया था आपको, उसी काढ़े में, गर्म काढ़े में कपड़ा डुबोकर उसको आप निचोड़कर रख सकते हैं नीज पर, तो आपको बहुत सूदिंग होगा। कंधों में दर्द है, नेक में है, बैक में है, आपके नीज में है, कहीं पर भी आपके दर्द है, आप ये फर्मेंटेशन ले सकते हैं, या डायरेक्ट कुकर के ऊपर पाइप लगा के, रबर का पाइप लगा के, उससे भी आप स्टीम भी ले सकते हैं। वेट कपड़ा रख दीजिए वहां पे उस पार्ट पे, और उसके ऊपर डायरेक्ट फिर स्टीम ले लीजिए, तो उससे भी ये पारिजात वगैरह। और मसाज पोटली, पोटली मसाज होती है सरसों के तेल में या तिल के तेल में, आप जैसे आक, भांग, धतूरा, ये जो चीजें जो कि नशे की चीजें मानी जाती हैं, दे आर एक्चुअली पेन किलर्स, तो ये सब इनके पत्ते लेकर, एरंडी के पत्ते जो होते हैं, कैस्टर ऑयल जिसका बनता है, जिसके बीजों का, उसके भी पत्ते, पपीते के पत्ते के जैसे झाड़ झंखाड़ की तरह उगे रहते हैं खाली प्लॉट्स में, रोड साइड में, ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, आक भी, भांग भी, धतूरा भी, आक का तो शिव जी पे चढ़ता है, आक के फ्लावर्स वगैरह चढ़ाए जाते हैं उन पर, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। तो इनके पत्ते जो होते हैं उनको तेल में थोड़ा कूट के डाल दीजिए, सरसों के तेल में धीमी आंच पे पका लीजिए, ये तेल भी आप लगा सकते हैं, और ये पत्तों की पोटली बनाकर उस पोटली से भी आप मसाज कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड फॉर बैक एक, नी नी ज्वाइंट पेन, कहीं का भी पेन हो, उस स्वेलिंग हो, उसके लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये कुछ चीजें मैं आपको बता रही थी, तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, वैसे भी आई थिंक वी हैव ओवरशॉट द टाइम, तो आइए आप सभी के लिए मंगल प्रार्थना करती हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति
शांति देवी माँ आप सबको शक्ति प्रदान करें, आरोग्य प्रदान करें। नमन करती हूँ पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में। जय गुरुदेव।